Good morning, students. Once again, we would like to start the class which is related to communication. Today, we are going to discuss regarding a process of communication. देखिए, इससे पहले हमने बात जो की, एक बार थोड़ा सा rewind कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं, क्या हमने अभी तक समझा पढ़ा, कोई अगर दिक्कत होगी उसको भी दूर करेंगे. देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में. I discuss regarding communication. Types of communication and non-verbal. We have discussed regarding this, okay? And verbal also I have defined oral and written. Yesterday I was telling regarding non-verbal. So many things which I discuss with you related to non-verbal, in which what is the role of eye contact, what is the role of smile, what is the role of body language, what is the role of gesture, what is the role of posture, what is the role of space, what is the role of silence, all sort of thing I discuss with you. What is the role of sign and symbol? So all sort of thing I discussed yesterday. But today we are going to discuss which is very important, that is process. Everything has a process. If you talk about communication or if you talk about any topic or anything else which come in your mind related to any subject, every subject has a process. देखिए, किसी भी चीज को जानने का समझने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है. आज हम उसी के संदर्भ में बात करें. देखिए, आप कोई आपके मन में विचार आ सकता है कि प्रोसेस क्या काम है, क्या रोल है इस प्रोसेस का. देखिए, हर चीज का एक अपना तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, देयर इज अ प्रोसेस. यदि कुछ भी करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस है. लाइक व्हेन यू मेक टी, जब आप चाय बनाते हो तो देयर इज अ प्रोसेस. उसका भी एक तरीका है, प्रोसेस है उसका. आप उस तरीके चलेंगे तो चाय स्टेप वाइज, इट मींस यू नीड टू गो स्टेप वाइज. देयर आर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, देम हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा. इफ यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स, वी आर गोइंग टू अचीव द टारगेट. यदि हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो टारगेट भी बहुत आसानी से हम उसको ग्रैब कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करेंगे. तो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, व्हाट वी शुड हैव. देखिए, हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास. तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए भाई, हम जब भी कोई चीज कहेंगे तो ऐसे समझो, ठीक है जी, I have made a diagram for you, by that you can understand. Okay, क्या process क्या होता है, कौन कौन से वो steps हैं जो हमें चाहिए और हमें follow करने पड़ेंगे. देखिए, जब कभी हम बात करते हैं, whenever we communicate, whenever we talk with people, जब हम लोगों से बात करते हैं तो we should follow, हमें follow करना है. क्या there's a process behind it. क्या follow करना है, there's a process, उसका एक तरीका है, एक प्रक्रिया है. तो सबसे जो पहली जो चीज है, first is the foremost thing, what? हमें क्या चाहिए, मैसेज होना चाहिए हमारे पास. दिस रिक्वायरमेंट ऑफ मैसेज, इट मींस इफ वी हैव समथिंग देन वी कैन स्पीक समथिंग इन टर्म्स ऑफ आइडिया, इन टर्म्स ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेंट. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ मैसेज यू हैव, देन इजीली वी कैन कन्वे द मैसेज. अदरवाइज हाउ कैन वी इम्पार्ट द मैसेज, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैसेज वी कांट कम्युनिकेट, वी कांट कन्वे द मैसेज. We can only convey when we have a message. तो ध्यान रखिएगा भाई, हम कभी भी बात करते हैं, दो लोग आपस में जब भी चैट करते हैं, टॉक करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा, कई बार नोट डाउन किया होगा माइंड के अंदर, कि सबसे पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, तो टॉक किस लिए कर रहा हूँ, या मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, टीचिंग करवा रहा हूँ, टॉक आपके साथ कर रहा हूँ, डिस्कशन हो रहा है, किसी भी प्रकार का डिबेट हो रही है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना, तभी तो हम बात करेंगे. भाई, आप दो दोस्त आपस में जब भी बात करते हैं तो कोई सब्जेक्ट होता है, कोई आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जिसको लेकर डिस्कशन किया जाता है. हम और आप कर रहे हैं तो हमारे पास एक टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में. तो ये क्या होगा, एक मैसेज है, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, लेकिन
मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, व्हेन आई एम गिविंग यू मैसेज, तो इसका मतलब किसी ने किसी रूप में मैसेज दे रहा हूं। रूप क्या है? इसे प्रोसेस के रूप में मैसेज देना। आप कई बार बात नहीं करते, दो दोस्त आपस में बात करते हैं, किसके बारे में? मान लीजिए मूवीज के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त आपस में क्रिकेट आईपीएल की बात करते हो, जो अभी आने वाले हैं, होने वाले हैं रिसेंट में, तो क्या बात कर रहे हैं आप? ये डिस्कशन एक मैसेज है। तो आप दो दोस्त जब भी बात करेंगे आईपीएल को लेके या पास्ट आईपीएल को लेके जब भी डिस्कशन करेंगे, वो एक मैसेज है जो आप दूसरे को देना चाहते हैं। इसी को इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। मैसेज को इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, व्हेन यू हैव एन इंफॉर्मेशन देन यू कैन कन्वे इट, अदरवाइज हाउ कैन यू कन्वे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, कोई थॉट नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं होगा, किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, तो कैसे आप दूसरे को बताएंगे, कैसे समझाएंगे? तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए मैसेज। अगर हमारे पास कंटेंट, मान लो मैं आपसे कह दूं भाई प्लीज, जैसे क्लास का एग्जाम्पल लो, टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, आप बैठे क्लास में, मैं आपसे कह दूं स्टैंड अप और यहाँ के आप 5 मिनट बोलिए किसी टॉपिक पे, तो सबसे पहले आपके मन में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया विल कम इन योर माइंड, व्हाट आई शुड स्पीक, सबसे पहले तो विचार ये आएगा क्या बोलूं। तो क्या मींस, आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, इन विच रिगार्ड आई शुड स्पीक, किस वे में बोलना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए। सबसे पहले कोई विचार होना चाहिए, तभी तो बोलोगे। हो सकता है कि आप 5 मिनट बोल सकते हैं एक विचार को लेके, हो सकता है आप 50 मिनट बोल सकते हैं एक उसी विचार को लेके, और हो सकता है कि 2 घंटे भी बोला जा सकता है उसी विचार को लेके। तो सबसे पहले विचार होना चाहिए। आपके पास अगर विचार नहीं है तो आप 2 मिनट भी नहीं बोल सकते। आप अगर आपके पास विचार है तो 2 घंटे बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले जब भी हम डिस्कशन करते हैं या हम कॉन्वर्सेशन करते हैं या हम जब भी टॉकिंग करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एक मैसेज होना चाहिए। अगर हमारे पास मैसेज है देन वी कैन इजीली कम्युनिकेट। फिर डर नहीं किसी बात का, फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है कहने को और हम कह सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन के ऊपर कह रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि मेरे पास मैसेज है, आई हैव, देन आई कैन, अदरवाइज आई कांट, नहीं तो मैं कर नहीं सकता। 2 मिनट भी बात डिफिकल्ट हो जाएगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपके पास बेन लैंड हो जाएगा। कहते हैं कई बार यार दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, किस वे में बात करूं, किस विषय को लेके बात करूं, आइडिया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि विचार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं बी क्रिएटिव, तो बार बार हम तो बोलते हैं बी क्रिएटिव, प्रोड्यूस गुड आइडियाज, कहते हैं प्रोड्यूस कीजिए भाई, नहीं है तो यू नीड टू कल्टिवेट गुड आइडियाज, थोड़े कल्टिवेशन कीजिएगा। जितने ज्यादा आइडिया जाएंगे उतना बेहतरीन आपकी स्पीच हो सकती है, उतनी बेहतरीन आपकी एक प्रकार से जो डिस्कशन में आपके एक प्रकार से लीड मिल सकती है आपको। लेकिन कब? जब आपके पास मैसेज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल या मीनिंगफुल या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हमारे पास कुछ मैसेज होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। व्हेन वी हैव रिसोर्स देन वी कैन यूज दैट, देन वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्स, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पास कोई मैसेज। अब आपने मान लिया आपके पास मैसेज है, टेक द एग्जांपल दैट यू हैव अ मैसेज, ऐसा समझो कि मेरे पास है विचार, मैं किसी भी संदर्भ में बात कर सकता हूँ। तो दूसरी चीज फिर क्या चाहिए? मैसेज है आपके पास, नो डाउट, तो दूसरी चीज आपके पास क्या चाहिए कि भैया वो मैसेज पहुंचाएगा कौन? Who will? भाई चलो आपके पास मैसेज है, लेकिन पहुंचाने वाला भी तो होना चाहिए ना। There must be a person who can convey, वो कन्वे कर सकता है, इम्पार्ट कर सकता है, सेंड कर सकता है, कौन? कोई होना चाहिए। इसीलिए मैंने दूसरा दिया यहाँ पे सेंडर। आप देखिए कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। अब आपके मन में आएगा यार भेज क्या रहा है, भेज तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि उसकी फिजिकली फॉर्म तो नजर ही नहीं आ रही आपको। लेकिन आप साइकोलॉजिकली चेक करना, वो अपने आइडियाज भेजता है, अपने विचार भेजता है, अपने थॉट्स भेजता है, अपने एक्शन भेजता है, अपनी फीलिंग्स भेजता है, या अपना मैसेज भेजता है एक से ज्यादा लोगों तक। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भेजने वाला। और भेजने वाला कौन होता है? सेंडर। अब आपके कई बार एग्जाम में आएगा व्हाट इज सेंडर, सेंडर क्या है, है ना? तो आप बताएंगे सेंडर इज ए पर्सन हु कैन सेंड द मैसेजेस। किसके पास मैसेज भेजेगा? इसका मतलब कोई रिसीवर होगा तभी तो भेजेगा। इसका मतलब सेंडर कौन है? हु इज सेंडिंग द मैसेज, जो मैसेज भेज रहा है। मैसेज क्या? जैसे इंफॉर्मेशन के रूप में, थॉट्स के रूप में, फीलिंग के रूप में, एक्शन के रूप में, जो भी ट्रांसमिशन होगा उसका एक से ज्यादा लोगों के बीच में, उसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मैसेज कहते हैं। लेकिन भेजने वाला कौन है वो इंग्लिश में बोला जाता है सेंडर, उसको इंग्लिश में सेंडर कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप भी ध्यान रखना जब कभी हम बात करें, मैसेज है नो डाउट,
लेकिन बेचने वाला थोड़ा चाहिए। अब माल आपके पास, मान लो बॉल भी है, आपके पास बैट भी है, तो खेल बैट और बॉल दोनों है, तो खेलने वाले भी होने चाहिए ना। अगर आपके पास खेलने वाले नहीं है तो क्या यूज है उस बैट का, क्या यूज है उस बॉल का। वैसे ही मैसेज बहुत है लेकिन भेजने वाला नहीं है, तो कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, इसलिए उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, मैसेज है और भेजने वाला है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अपनी बात को बेहतरीन स्टाइल से आप एक जगह से दूसरी जगह या एक आदमी से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन तब जब आपके पास एक आदमी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, या मैं एक वो पर्सन होना चाहिए हु कैन सेंड द मैसेज, जो मैसेज भेज सकता है। इसे इंग्लिश में इसको बोलेंगे, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सेंडर। तो आप ध्यान, सेंड सेंड आप कॉमन लैंग्वेज लगा लो, सेंड मीन्स भेजना और सेंडर मीन्स भेजने वाला। तो भेजेगा क्या हो, उसके पास मैसेज है, उसके पास कंटेंट है, उसके पास कोई चीज है जिसको भेजेगा। जब भेज रहे किसी भी चीज को, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंडर। सेंडर मीन्स हु इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू मेनी, एक से बहुत सारे ज्यादा लोगों के बीच में जब कोई चीज भेजी जाती है उसी को इंग्लिश में सेंडर बोलते हैं। सेकंड थिंग व्हिच आई एम हैविंग, व्हाट सेंडर है, यू हैव अ सेंडर, आपके पास सेंडर है, लेकिन सेंडर है एक रिसीवर है, somebody is receiving the messages and somebody is sending the messages, but there is a, you know what, so take the example, आप एक रिवर के साथ खड़े हैं, there is a river, the river के एक साइड में आप देखेंगे, दूसरी साइड में देखेंगे क्या है, पार करना आपको, just you would like to cross it, या आप उसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपने क्या देखा, there are two, क्या होते हैं दो, एक आदमी इस साइड से इस साइड जाना चाहता है, एक आदमी साइड से इस साइड जाना चाहता है, तो क्या वहां पे दे दे ब्रिज, जैसे ये है एक साइड से इस साइड से जाना चाहता है, इस साइड से इस साइड, तो दे दे ब्रिज सिस्टम। अभी सिस्टम मींस क्या होता है कि एक आदमी जब क्रॉस करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो मैसेज कन्वे होता है, क्या कन्वे होता है, मैसेज। तो मैसेज कैन बी कन्वेड फ्रॉम वन टू मेनी, लेकिन किसके थ्रू, वो आप देखेंगे आपके पास क्या होना चाहिए, चैनल होना चाहिए। अगर आपके पास रोड है, दे दे रोड, तो आदमी जा सकता है, आ सकता है, इट मींस समथिंग शुड बी ओवर देयर। अगर कोई चीज हमारे पास है तो इजीली वी कैन कम्युनिकेट, अदरवाइज वी कांट कम्युनिकेट। तो व्हाट द मैसेज मींस, हमारे पास मैसेज होना चाहिए, हमारे पास वो चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं चैनल। चैनल मींस कोई मीडियम होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, बोथ वी आर कम्युनिकेटिंग, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन दो तो बात कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन हमारे और आपके बीच में क्या है, देखिए बात करने के दौरान ये जूम जो ऐप है ये हमें और आपको बात कर रहा है, लेकिन मीडियम एक और भी हमारा क्या, लैंग्वेज है ना। जैसे मैंने आपके सामने हिंदी यूज करता हूँ, मैं आपके सामने इंग्लिश यूज करता हूँ, ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है, क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को समझना यही तो कम्युनिकेशन है। मैंने यही तो बताया था आपको, कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी आर सेंडिंग द मैसेजेस एंड यू आर रिसीविंग द मैसेजेस, ये क्या है भाई, आप भेज रहे हो रिसीव कर रहे हो, लेकिन ये भी नोट करना समझ में आने चाहिए वो, ये नहीं है आप खाली मैसेज भेज तो रहे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ, यू नीड टू रिसीव द मैसेज, इट मींस किस भी आप रिसीव कर सकते हो जब आपका उसका चैनल प्रॉपर है, मीडियम प्रॉपर है। मान लो एक आदमी है कन्नड़ बोल रहा है आपके सामने या मराठी बोलता आपके सामने और आपको समझ में नहीं आ रही, तो बताओ क्या आपके पास वो मैसेज पहुंचा, नहीं, क्यों, आप तो रिसीव करने वाले भी थे और वो भेजने वाला भी है, सेंडर भी है और उसके पास मैसेज भी है, लेकिन चैनल प्रॉपर नहीं था उसके पास, क्या प्रॉपर नहीं था, चैनल। इसलिए हमें क्या करना है, चैनल को रिसीव करना है, मीडियम प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे पास मीडियम प्रॉपर है, चैनल प्रॉपर है, तो बहुत बेहतरीन कम्युनिकेशन किया जा सकता है, एक प्रोसेस को अच्छा तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन कब, जब हमारे पास चैनल अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा ना, देखो आप अच्छा से अच्छा मैसेज है वो भी आप भूल जाएगा, क्यों, क्योंकि चैनल ठीक नहीं है आपका, इसलिए चैनल को विशेष ध्यान रखना, चैनल आपका प्रॉपर यूज करें। जो लोग जब भी टॉक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो अक्सर वो चीज ज्यादा फॉलो की करनी चाहिए जो दोनों के समझ में आए, इसी को तो कहते हैं अच्छी कम्युनिकेशन, इसी को तो कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, इसी को तो कहते हैं कि भाई हाँ टारगेट पे गई बात, इट मीन्स आपका टारगेट था मेरे दोस्त को कन्विंस करना, उसको समझाना, ये आपका टारगेट है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब चैनल आपने अच्छा चूज किया है। अगर चैनल एप्रोप्रिएट ना अगर नहीं लिया आपने और इन एप्रोप्रिएट चैनल ले लिया, तो हमेशा ध्यान रखा मैसेज आपका हैंगिंग विल बी इन द फायर, आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या सुनना चाहता है मेरा रिसीवर, है ना,
अगर मैं आपको प्योरली इंग्लिश में कम्युनिकेट, एक दिन मैंने पूछा भी था शायद आपसे, आई कंफर्म कि लैंग्वेज कौन सी हमें फॉलो करनी चाहिए, स्पेसिफिक इंग्लिश को रखें या हमें बायोलिंगुअल रखना है, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके, ताकि आप अच्छे तरीके से उस मैसेज को रिसीव कर लें, प्राप्त कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपका रिस्पॉन्स जो आया था यही था सर, मिक्स रखें, बायोलिंगुअल रखें, ताकि मैसेज को हम अच्छे तरीके से बेहतरीन स्टाइल से उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब चैनल अच्छा होगा। अगर चैनल ठीक नहीं है तो कितना भी बेहतरीन चीज हो आपके पास, मैसेज बहुत बढ़िया बेहतरीन है, सेंडर भी है भेजने वाला, लेकिन चैनल ठीक नहीं है, चैनल ठीक नहीं है तो सारा वेस्ट, इट विल गो इनटू जो है आपका वेन, वेन में चला जाएगा, बेकार से आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, चैनल आपका अच्छा होना चाहिए। एक और चीज भाई, चैनल भी है आपके पास, अच्छा चैनल है, लेकिन एक और चीज चाहिए फिर आपको, क्या चाहिए? मन में एक विचार आएगा, भैया आपके पास मैसेज है, यू हैव मैसेज, आपने देखा मैसेज है, आपने देखा सेंडर है, और आपने कहा भाई चैनल है, तो भैया उन मैसेज को रिसीव करने वाला भी तो चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूँ, ओके आई एम स्पीकिंग विद यू, मैं जब आपसे मैं साथ बोल रहा हूँ, या आई एम टीचिंग, मैं टीच करवा रहा हूँ, तो कब करा रहा हूँ? जब मेरे सामने कोई है तभी तो करा रहा हूँ। आप देखेंगे आप लोग सुन रहे हैं तभी तो मैं आपको, आपके सामने बोल रहा हूँ। तो आपके, आप हमेशा नोट करना, जब कोई भी आदमी कोई भी कार्य करता है तो उसको रिसीव करने वाला कोई ना कोई होगा, है ना। जब आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, चाहे आप कोई बॉलर है, बॉल फेंकता है तो कोई शॉट मारने में वाला तो खड़ा रहता है आगे, वो अलग बात है, भाई डिफेंसिव खेलता है, एक रन लेता है, छह रन मारता है, चार मारता है, वो अलग चीज है। बट आप ये ध्यान रखे, सामने है ना उस बॉल के साथ खेलने वाला, इसीलिए तो बॉल फेंकी जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए हमारे पास? एक रिसीवर होना चाहिए जो रिसीव कर सके। जैसे बगैर रिसीवर के भी इम्पोर्टेंस नहीं है, और मैं कहूंगा बेकार है, कुछ नहीं है। आप कहेंगे क्यों? देखिए भाई, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, लेकिन नहीं, फिल्म अच्छी है लेकिन देखने वाले नहीं है। आप देखिए, आप फिल्म, आप जाओ हॉल में जाओ, फिल्म बहुत बेहतरीन लगी हुई है लेकिन देखने वाले ना हो, बताओ क्या उसकी वैल्यू है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंट है वो? नहीं, बेकार। क्यों? क्योंकि रिसीवर चाहिए। इसलिए हमेशा सामने वाला चाहिए, रिसीवर चाहिए। इसीलिए कम्युनिकेशन में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। किसका? एक तो जो आपने बात रख रहा है वो, और एक जो रिसीव कर रहा है वो, दोनों का अच्छा जो कॉम्बिनेशन है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अच्छा कम्युनिकेशन। इसलिए कॉम्बिनेशन ध्यान रखना भैया, आप अच्छा बोले, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप अच्छा बोले लेकिन अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। देखिए, आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार कुछ प्रोग्राम से अटेंड किए होंगे आपने, जहां आपने किया क्या देखा होगा, सिंगर है बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन श्रोता अगर अच्छे होंगे तो हो सकता है कि वो और अच्छा गाए, और श्रोता अगर रिस्पॉन्सिव ना हो और उस चीज को वैसे ना ले रहे हो, और आप देखे अननेसेसरी हुकिंग कर रहे हो, तो बताओ मन करेगा उस गाने वाले का? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जानते हैं अच्छे श्रोता होंगे तो अच्छा वक्ता होगा, अच्छा वक्ता है तो अच्छे श्रोता होंगे। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इट कैच 22, या मैं ये कह सकता हूँ अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जब अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छी कम्युनिकेशन है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, इसका मतलब एक प्रोसेस अच्छा हमारा। अब आप बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, कोई सुनने वाला ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो खाम खाम ही बोल रहा हूँ, इसका मतलब वेस्टेज है। किसका? टाइमिंग का, एनर्जी का। तो क्या करें? आप हमेशा नोट कर लेना माइंड में, दोनों चीजों के अच्छे कॉम्बिनेशन कोई अच्छी कम्युनिकेशन आ सकती है। अब आपके पास रिसीवर भी है, चलो मान लिया अब आपके पास रिसीवर, तो एक और चीज चाहिए आपको। सर अब रिसीवर भी है, सेंडर भी हो गया, चैनल भी हो गया, मैसेज भी हो गया, अब क्या चाहिए? अरे लास्ट चीज तो चाहिए जिसके भाई, अगर वो चीज है तभी हम कहेंगे एब्सोल्यूट हमारा कम्युनिकेशन है। कैसे? वो चीज कौन सी है सर? वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। अब आप बोलिए फीडबैक क्या है? देखो मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई अपने दोस्त को, या दोस्त ने आपको बताई, कैसे हो सकता है, इस वर्ष आए तो आपने बहुत अच्छी बात बताई या बता रहे हैं, तो आप क्या नहीं चाहते हो कि दोस्त से जवाब भी लूं, या दोस्त का रिस्पांस भी लूं, तो उसका फीडबैक आना चाहिए हर बात को लेके। तो क्या होगा अगर वो बात, देखिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मीन्स फीडबैक नेगेटिव भी आ सकता है, फीडबैक पॉजिटिव भी आ सकता है, अक्सर स्वभाव है आदमी का। आप किसी की बात को सुनकर एक अच्छा रिएक्शन भी दे सकते हो, और हो सकता है कि आपका रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग चीज है।
जैसे आप फिल्म देखते हो, कई बार नहीं देखते हो, अरे क्या मूवी थी, बढ़िया मजा आ गया भाई, है ना। कि खाना खाते हो, क्या खाना था भाई, बहुत जबरदस्त, कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी आप फीडबैक दे रहे हो कि बहुत बेहतरीन था यार, क्या टेस्टी था, मजा आ गया भाई, है ना। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि फीडबैक जरूरी है। आप घर में कोई आदमी आपको इन्वाइट कर रहे, इन्विटेशन तो आते रहते होंगे, कोई आदमी आपको इन्वाइट कर रहे और आप वहाँ खाने पे चले जाएं और खाना खा रहे हैं वहाँ, और खाना खाने के बाद जिसने आपको इनवाइट किया वो पूछ ले भाई खाना कैसा बना, तो अक्सर स्वभाव आपका जवाब देने का। अब आप क्या कहेंगे, देखो आप बहुत कम चोइस बचती है वहाँ, हालांकि किसी के घर पे जा रहे खाना भी खा रहे, तो आप ये थोड़ी कहेंगे बेकार था, ऐसे कहेंगे आपका रिस्पॉन्स भले ही वो खाना उतना अच्छा नहीं था कि आप उसको बहुत सुपर्ब कह पाए, मैग्निफिशेंट कह पाए, या ये कहें कि सर सम्प्टुअस था, डिलीशियस था, लेकिन ये तो कहेंगे सर अच्छा। क्यों, क्योंकि किसी का दिल रखने के लिए हम जरूर बोलेंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे और ये कहेंगे जी ठीक था, अच्छा था जी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फीलिंग्स की बातें रहती हैं, कोई आदमी जब आपको पूछता है इसका मतलब भाव जुड़े रहते हैं, तो हमेशा क्या करें, जवाब अच्छा दे, पॉजिटिव दे हमेशा, ठीक है ना। सुनते हो बेहतरीन तो उसका जवाब भी आना चाहिए। ऐसा ना, जब टीचर है आपको पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, तो क्या करता है, टेस्ट भी ले लेता, कई बार नहीं लेता टेस्ट, तो टेस्ट क्यों लेता है भाई, कई बार लेता है ना टेस्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए कितना समझ में आ रहा है, या ऐसे खाली बस सुन ही रहे हो सुन रहे हो, तो वन वे नहीं इसको, टू वे होता है ये, वो अलग चीज है भाई। टू वे के लिए थोड़ा समय दिया जा सकता है भाई, आज आपको कोई चीज समझाई, हो सकता है 10 दिन बाद 5 दिन बाद आपसे पूछ भी ली, तो आप क्या करेंगे, उससे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको क्या फीडबैक मिलेगा, भैया समझ में आ गया, या जो कहना चाहते हो अच्छा समझ में आया। तो ये क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीडबैक, एक अच्छा फीडबैक आना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, इसी को इंग्लिश में फीडबैक है। क्या बोलते हैं, फीडबैक कहते हैं। आपके मन में एक और विचार आ सकता है, क्या फीडबैक के बगैर कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, तो मेरा जवाब तो आपको पहले से पता होगा, बगैर फीडबैक के अच्छा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं, इसलिए फीडबैक लिखते हैं। आजकल तो जितने भी जो भी जैसे मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग में भी हम पूछते हैं 24 लोगों की भाई कैसा लगा है प्रोडक्ट, तो हम क्या कहेंगे, भाई अच्छा था बुरा था, ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बताएंगे जरूर, चाहे कुछ भी बताएं हम, तो इसलिए क्या करेंगे, फीडबैक बहुत जरूरी होता है। क्लियर। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज को कई स्टाइल से रखा जा सकता है। देखो कुछ लोग है ना, जब बात करते हैं इसकी मैसेज की, कुछ लोग मैसेज नहीं बोलते इसको, तो क्या बोलेंगे भैया, एक चीज हो रहा है आइडिया मिल रहा, कुछ लोग क्या करते हैं इसको आइडिया कह देते हैं, कुछ लोग आइडिया कह देते हैं, कुछ लोग उसको मैसेज कहते हैं। बात तो वही है, आइडिया को या मैसेज को, भाई हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो सिर्फ इतना है कि हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि ये ना हो कि भाई हम कंफ्यूज हो जाए, नहीं हमें जानकारी होनी चाहिए, आइडिया को चाहे मैसेज कहो बात एक ही है, सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो समझ में आना चाहिए, आइडिया कह रहा तो भी मैसेज है, मैसेज कह रहा तो मैसेज है ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसको इन्फॉर्मेशन भी कह देते हैं, इन्फॉर्मेशन कह दो, या कुछ लोग इसको कंटेंट कह देते हैं, कंटेंट कह दो, कोई भी चीज का कंटेंट हो या इन्फॉर्मेशन कहो, क्यों जानकारी तो है जो आप पास करेंगे एक से दूसरे को, ठीक है ना। और एक दूसरी चीज है सेंडर, अब यहाँ थोड़ा सा देखने का विषय है, कुछ लोग सेंडर कहते हैं, कुछ स्पीकर कहते हैं जी, क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। आपके मन में विचार आ सकता है सर स्पीकर क्यों कहते हैं, इससे क्यों, देखिए भैया स्पीकर क्यों कहते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि स्पीकर क्या है, भाई जो आदमी बोल रहा है, भाई स्पीक मींस बोलना और बोलने वाला स्पीकर, तो वही तो चीज है। आप घर में गाने नहीं सुनते हो स्पीकर के थ्रू, तो क्या कह रहा हूँ आपसे, स्पीकर मींस बोलने वाला, तो जो बोल रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्पीकर। तो क्या प्रॉब्लम है, स्पीकर ही सही वर्ड है। अगला चैनल, कुछ लोग चैनल बोल देते हैं, कुछ लोग चैनल नहीं बोलते, मीडियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम कह देते हैं, बात एक ही तो है, हम चैनल कहें हम मीडियम कहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें समझना है क्या कि भैया मीडियम और चैनल एक ही बात है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज चैनल डिफाइन मीडियम, तो आप कंफ्यूज ना हो, समझ सकते हैं आप आसानी से, भैया ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस के संदर्भ में बता रहा हूँ, और प्रोसेस का पार्ट है ये, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो हम बात करें किसकी, मीडियम की बात कर रहे हैं, हम बात करें चैनल की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मीडियम को या चैनल, सेम थिंग इट इज, जिसके भाई थ्रू कोई काम हो रहा है दैट इज चैनल। भाई कोई भी काम किसी के थ्रू होता है ना, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना। भाई आप सोच के देखो,
आप कहोगे जी कैसे भाई आदिमानव काल में, मैं बात बहुत पहले कर रहा हूँ, जब आदमी इतना इतना क्या पढ़ा लिखा था ही नहीं, इतना क्या पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय भी तो बात करते थे। लेकिन आपके मन में विचार आएगा सर उस समय तो जब सेंटेंसेज ही नहीं थे, वर्ड्स ही नहीं थे, तो कम्युनिकेट कैसे करते थे। भैया मैंने यही तो कल बात बता रहा था कि वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते थे या अपनी बातें समझाते थे किसी को, है ना। जरूरी नहीं कि शब्दों का यूज करें। तो क्या है अब हमने क्या कर दिया, उजनी बातों को शब्दों में एक प्रकार पिरो दिया और अब शब्दों से हम अपना या सामने वाले का मतलब समझते हैं। तो क्या है वही मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो हिंदी हमें आती है और आपको आती है, तो हो गया ना एक चैनल, हो गया ना एक मीडियम। वैसे ही किसी भी चीज को लेके चैनल और मीडियम समझा जा सकता है अगर किसी माध्यम से कोई चीज हो रही है तो। देखिए क्योंकि समय थोड़ा सा, मेरे को नोटिफिकेशन भेज रहा है तो 5-7 मिनट हो लूंगा, टेंशन ना लें। अब है रिसीवर, रिसीवर मैंने बताया रिसीव करने वाला, यहाँ स्पीकर है तो यहाँ हो जाएगा लिसनर। भाई यहाँ स्पीकर हो गया लिसनर हो गया, फिर बोलने वाला है तो सुनने वाला होगा और भेजने वाला है तो रिसीव करने वाला होगा। कॉमन बात, उसके अकॉर्डिंग लगाना आपको, है ना। आप कोई भी चीज लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए, ठीक है। आगे फीडबैक, इसको आप फीडबैक कहो या रिस्पॉन्स कहो, एक ही बात है भाई। मैं फीडबैक कहूँ या रिस्पॉन्स कहूँ क्या प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स और फीडबैक एक ही चीज होती है। या तो रिस्पॉन्स कहो या फीडबैक हो, नो प्रॉब्लम, सेम थिंग इट इज, एक ही चीज है। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। इसको हम रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, इसको मैं फीडबैक भी कह सकता हूँ। आइडिया, स्पीकर, एक और चीज है जिसके बारे में बात करते हैं, एक है एनकोडर। देखिए इंग्लिश में एक और बड़ा था एनकोडर, आपके मन में आ गया सर ये क्या है, एनकोडर कह देते हैं किसको, सेंडर को। कुछ लोग है ना एनकोडर कहते हैं सेंडर को, बस सर ये नहीं, अजीब चीज कहाँ से आ गई, अजीब नहीं है, इसको बहुत आसान है समझने का प्रयत्न करें। और आप भी हो सकता है कि एनकोडर बन जाए, स्पीकर बन जाए, सेंडर बन जाए, एक ही चीज, मीनिंग कोई मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर। ठीक है भैया, एनकोडर की जहां बात करते हैं, एनकोडर क्या होता है, जो बातों को कई बार कोडिंग में नहीं करते आप, जैसे आप हैं, आपका फोन है तो फोन पे पैटर्न लॉक लगा देते हो, न्यूमेरिक लॉक लगा देते हो, तो वही तो आदमी खोलता होगा जो जानता है, आपने तो कोड बना दिया, समझ गए बात मेरी। तो कई बार आप कोड में बात नहीं करते हो, मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कहा सर ये कुछ पैसे हैं और आप बैंक में जमा करवा दो, तो आप 10 दिन बाद 4 दिन बाद मिले, फिर एक बार सोच करो वहां 5 लोग और खड़े थे आपके फ्रेंड, और वहां आपने उस दोस्त से कोड वर्ड में पूछा, अरे यार मैंने तेरे को एक काम कहा था करवा दिया क्या। अब आपने तो सिंपल कहा कि मैंने जो काम कहा, अब बताओ जो और लोग खड़े हैं क्या वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि कोड है। तो आपने क्या कहा सर मैंने काम कहा, वो समझ जाएगा हाँ मैंने वो कर दिया सर उसी से मैं कर दिया था मैंने तो, या वो बोलेगा नहीं सर एक्चुअली हो नहीं पाया, मैं बिजी हो गया था, कहीं चला गया था, बीमार हो गया, हो सकता है 50 बात आपको सुनाए, लेकिन सवाल इसी चीज का है, आपकी बात को सिर्फ वही समझेगा जो कोड जानता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, एनकोडर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनकोडर। एनकोडर मीन्स हु इज क्या भाई, जो बातों को पहुंचा रहा है, इसलिए इसको सेंडर भी कह सकते हो, स्पीकर भी कह सकते हो, एनकोडर भी कह सकते हो। देखो जब एनकोडर है आपके पास, तो भैया एनकोडर है तो एक और भी होगा ना, क्या डिकोडर, क्या बोलेंगे, डिकोड भी तो करें। अब आपको मान लो किसी का पैटर्न लॉक पता है, आपका दोस्त है, बिल्कुल गहरा दोस्त है, और आपको पता है कि किस तरीके से पैटर्न लॉक बनाता है, तो आप तो खोल लोगे, लेकिन क्या और लोग खोल लेंगे, नहीं खोल पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वही चीज समझा रहा हूँ, कोड और डिकोड कौन कर सकता है, जो जानता है, इसलिए डिकोडिंग मींस डिकोडर। डिकोडर कौन होता है, जो एक प्रकार से उस कोड को डिकोड करने वाला डिकोडर होता है। तो इसको हम इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में लिसनर बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, रिसीवर बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिकोडर बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना खाली, अगर यहाँ सेंडर लगा दिया आपने तो नीचे रिसीवर ही लगेगा, और यहाँ स्पीकर है तो यहाँ लिसनर लगेगा, या एनकोडर है तो यहाँ डिकोडर ही लगेगा, ये कॉम्बिनेशन है, ये नहीं यहाँ तो एनकोडर कर दिया नीचे कर दो लिसनर, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कॉम्बिनेशन के साथ चीजें यूज करनी चाहिए आपको, क्लियर। कई बार लोग रिस्पॉन्स बोल जाते हैं, कई बार फीडबैक, और कई बार लोग डेस्टिनेशन कह देते हैं, टारगेट कह देते हैं। डेस्टिनेशन एक लक्ष्य तक बात पहुंचना, तो इसलिए फीडबैक और रिस्पॉन्स को डेस्टिनेशन को एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं जो बात कर रहा प्रोसेस की बात कर रहा, कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं स्टेप वाइज, इन सभी चीजों का आपके माइंड में होना चाहिए। फिर भी इस क्लास को लेके कोई डाउट है आपके माइंड में तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, मैं आपकी डाउट दूर कर सकता हूँ, प्लीज।
Now, I would like to invite you for doubts. If you have any type of doubt in your mind, you please. Yes, by Ankit, या जो भी स्टूडेंट है, किसी को भी कोई डाउट है, आप प्लीज पूछिए मेरे से जरूर, ताकि नो डाउट. हाँ जी, हाँ, कोई डाउट है क्या भैया? ओ गुड गुड गुड. नॉन वर्बली अंकित तुरंत अप्लाई कर देता, नॉन वर्बली पूछते ही. बिल्कुल शर्मा, आई गॉट इट मिस्टर अंकित शर्मा. नो डाउट सर. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. कोई डाउट है क्या श्रीमान आपको? नो डाउट सर. नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर. यस सर. ओके सरिता, कोई प्रॉब्लम है इसको लेके? कोई डाउट हो, कोई शंका संदेह हो कि भैया कोई चीज समझ में नहीं आई हो किसी भी चीज को लेके, तो बताइएगा. नो प्रॉब्लम सर. नो प्रॉब्लम, गॉट इट. क्या बताया आज मैंने आपको, क्या समझाया? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, क्लियर कर लोगे? यस सर. ओके, तो मेरे ख्याल से जब कर ही लेंगे, सफिशियंट है और टाइमिंग मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगली बात करें. और जो मैं वीडियो भेजता हूँ कई बार, उनको जरूर देख लिया कीजिएगा, क्योंकि छोटी 5 मिनट की वीडियो में सारी बातें क्लियर हो जाती है आपकी. मैं रोज बताता हूँ आपको, ठीक है ना? और नोट्स भी घर पे आप रहके रजिस्टर लेके बना सकते हो आराम से, हर टॉपिक की आराम से, क्योंकि वीडियोज है, बार बार देखो उनको, आप अपने आप ही बन जाएंगे. पहली बात तो दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर भी 1% रहता है तो आप उनके एक रिटर्न में बना सकते हो, ताकि प्रॉब्लम दूर हट सकती है. क्लियर? यू गॉट इट डियर? ओके गुड गुड गुड. यस सर. गुड, वेरी गुड. तो शुड वी स्टॉप हियर? शुड वी मीट एनी अदर डे व्हेन आवर क्लास विल बी हेल्ड? क्लियर? थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. यस सर. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस क्लास. थैंक यू. थैंक यू सर.